हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक छोटा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे आदमी को पता नहीं कि पेंटिंग कैसा होता है, डेंटिंग कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, उसमें एक कार का डोर थोड़ा डेंट हो जाता है एक राट के वजह से, उसको डेंटिंग पेंटिंग का वर्क करके कैसे ठीक किया गया है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं डोर के ऊपर कितना बड़ा डेंट हुआ है। तो ये एक राट के वजह से हुआ था। तो साइड डोर देख सकते हैं, बैक साइड का तो पूरा का पूरा दबे गया है। तो अभी इसको डेंटिंग का काम करेंगे, मतलब डेंट को निकाल के आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे आदमी तो जानता नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं डेंटिंग कैसे निकालते हैं आज दिखाने वाला हूँ। तो लोग देख सकते हैं, ये चारों तरफ से आपको एक बार दिखा दिया है। तो इसको हम लोग को अंदर का जो भी सामान है उसको निकाल के हम लोग को पहला उस डेंट को लेवल करने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल टूल आता है, आप लोग देख सकते हैं, उसी टूल से हम लोग को सबसे पहले लेवल करनी है। अंदर के तरफ से सपोर्ट लेके उसके ऊपर हम लोग ये टूल लेके इस तरह मारने से क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग को लेवल मिल जाता है। अभी सेकेंड स्टेप में जहाँ डेंट हुआ था उस जगह डेंट निकालने के बाद हम लोग को पुट्टी लगाना पड़ता है, मेटल पेस्ट भी बोलता है। तो वो लेके एकदम सॉफ्ट लेयर्स हम लोग को करनी है उसके ऊपर, ताकि जितना भी वो डेंट का मार्किंग से पूरा गायब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये कर रहा है अभी काम। उसके बाद सूखने के लिए थोड़ी देर उसको छोड़ देना है। सूखने के बाद हम लोग को उसके ऊपर क्या है, हम लोग को बफिंग करनी है। उसके लिए पहले दिनों में तो हाथ से करते थे, अभी एक मशीन आ गया है उसके हिसाब से वो उसको यूज़ करके ये लोग बफिंग कर रहा है। तो ये बहुत स्मूथ फिनिश मिलता है मशीन से अगर हम लोग बफिंग करने से। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंड पेपर से लोग यूज़ करते हैं बेसिकली उसको स्मूथ करने के लिए। तो करने के बाद फर्स्ट लेयर ऑफ प्राइमर का कोटिंग चल रहा है, देख सकते हैं बहुत आराम से इसको प्राइमर का कोटिंग कर दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का गाड़ी तैयार है फाइनल पेंटिंग के लिए। आप लोग देख सकते हैं ग्लासेस जैसे ऐसे वाला चीज़ को पूरा ढांक के रखा है न्यूज़पेपर से, ताकि उसके ऊपर पेंट का स्प्रे ना गिरे। वो देख सकते हैं आराम से उसके ऊपर फर्स्ट कोट सेकंड कोट ऐसे मार देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उसके चलते हम लोग का गाड़ी वापस शाइन होने लगती है, जैसा पहला पेंट था उसी में ये मैच हो के पूरा एकदम क्लासिक पेंटिंग आपको मिल जाएगा। ये देखिए अभी सेकंड कोट चल रहा है। तो अभी पूरा पेंटिंग होने के बाद हम लोग देख सकते हैं एकदम कुछ भी डिफरेंस हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो आगे पार्ट पीछे पार्ट सब एक ही कलर में आ गया है। तो इस तरह डेंटिंग पेंटिंग का काम मैकेनिक शेड्स में चलता है। अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।